You don't want my heart, you don't want my love, you just want me crying over you. You don't want my heart, you don't want my love. तो मिनी वीनस का अब स्टार्ट हो गया यहाँ पे बोट राइड और बड़ा अच्छा मैं फील कर रहा हूँ यहाँ पे. सो वेलकम बैक गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं कैस्पियन सी. कैस्पियन सी पे जाके फिर हमें जाना है मिनी वीनस. सो दिस विल बी द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो बिकॉज ओल्ड सिटी वाली वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, तो अभी ये सेकंड पार्ट में ही आएगी. तो अभी मैं जाता हूँ जी कैस्पियन सी. वी नीड टू क्रॉस दिस रोड फर्स्ट एंड आई नीड टू फाइंड अ वे हाउ टू क्रॉस दिस. Let me ask someone. Sir, I want to go to the other side. Okay, भाई साहब से पूछा है. भाई साहब कह रहे हैं जी इधर से जाएं. Let's see. अब हमें जगह मिलती है कि नहीं. वैसे तो उसने मुझे बोला बस स्टेशन के पास है, आपने क्रॉस करना है. देखते हैं जी कहाँ से जाना. बाकी खाना शाना खा लिया है, एनर्जी आ गई. बाकी यार लोग इनके काफ़ी हॉस्पिटेबल हैं. और हाँ जी स्कैमर्स भी हैं, आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए स्कैम करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन ये है कि वैसे हॉस्पिटेबल हैं. और एक बंदे ने मुझे प्रॉपर वे बता दिया कि कैसे मैंने बाय वॉक ही विज़िट करना है, टैक्सी ना बुक कराऊँ तो अच्छा है, क्योंकि बाय वॉक ज़्यादा मज़ा आता है. तो अभी अंडरग्राउंड जाना है, अब देखते हैं. मुझे वैसे वो मिल नहीं रहा बट मैं ढूँढ रहा हूँ. बाकी यार आज मौसम ने बड़ा साथ दिया क्योंकि बड़ी ही गर्मी थी. कल जब मैं आया हूँ वॉक नहीं हो रही थी, लेकिन अब कोशिश कर रहे हैं कि वॉक हो. बाकी ये भी इनका कुपारक टाइप है और फाउंटेन्स इन्होंने काफ़ी लगाए हुए हैं हर जगह पे. तो अभी अंडरग्राउंड वे तो नहीं मिला मुझे, वैसे ही मैंने रोड क्रॉस की है. आई डोंट नो अब दूसरी तरफ जाने के लिए किस तरफ से जाना है. होपफुली मिल ही जाएगा रास्ता. लेकिन उसने मुझे बताया था कि जी आपने अंडरग्राउंड जाना है. अब अंडरग्राउंड वाली जगह मिली नहीं, आई डोंट नो हाउ टू क्रॉस. किसी भले बंदे से पूछते हैं. ओके सो अंडरग्राउंड वे मुझे मिल गई है और यहाँ से हम जाएंगे अंडरग्राउंड. काफ़ी ज़्यादा नहीं चलना पड़ा, नॉर्मली अगर आप वॉक करते हैं दुबई में तो यार इतना मुश्किल नहीं है, आप जा सकते हैं. ये है जी इनका सबवे, अभी सबवे के अंदर जा रहे हैं. लेट्स सी. जी अंदर भी कुछ ना कुछ बिक रहा है, लेकिन यार रोड इनकी बहुत बड़ी थी, अच्छा है नीचे से बनाया हुआ है, इसीलिए आप लोग वॉक करके जा सकते हैं. तो जी फाइनली पहुंच गए रोड के दूसरी तरफ और जी आ गए हैं कैस्पियन सी. सो जी ये इनका कॉर्निश है और ये लोग इसको बोलते हैं कैस्पियन सी. सो अभी जा के देखते हैं, विज़िट करते हैं. बड़ी अच्छी सी वाइब आ रही है और वेदर भी काफ़ी अच्छा है. काफ़ी देर से मैंने सनग्लासेस लगाए हैं, आई थिंक सो अब मुझे उतार देने चाहिए क्योंकि शाम हो गई है. ये जी छोटा सा पार्क वगैरह इनका इधर. अभी कैस्पियन सी देखते हैं कैसा है. रेस्टोरेंट वगैरह खाना इनका टर्किश की तरह ही है और अरेबिक की तरह ही है, जैसे वो लोग शवरमा वगैरह खाते हैं. टर्की शाही स्क्रीम वगैरह चल रही है यहाँ पे, सारा कुछ चल रहा है. पार्क वाली वाइब भी है, खाली इतनी कोई हैवी चीज़ नहीं है, बस समुंदर और पार्क है. तो बस जाके समुंदर के पास एक आधी फ़ोटो बनाएंगे फिर जाएंगे मिनी वीनस, क्योंकि मिनी वीनस की वाइब ज़्यादा सुना अच्छी है. ओह तो ये है जी इनके हिल्स पीछे नज़र आ रहे हैं और कॉफ़ी शॉप्स, देखते हैं जाके. ट्राईपोड खोलना नहीं चाह रहा, किसी से बनवा लेते हैं तस्वीरें या नहीं जाते हैं यार आगे, खुद ही बनाते हैं जाके. हाथ थक गया मेरा. तो आप लोगों को अभी मैं पूरा इधर का व्यू दिखाता हूँ, उसके बाद ही मैं फ़ोटोज़ बनाऊँगा. सो जी ये सी है, इसके साथ इनकी आगे बिल्डिंग्स हैं. ये डेनिस मॉल है, इसके अलावा पीछे फ्लेम टावर्स हैं जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को देखो. अब वो टावर का मुझे नहीं पता उसका क्या मतलब है. और वो पीछे भी इन्होंने कोई स्टेडियम टाइप बनाया हुआ है. इसके अलावा इधर ये एक राउंड बिल्डिंग है, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, बट ये मेन इनका सी साइड व्यू है प्रॉपर. तो अभी हम यहाँ पे अपनी फ़ोटोज़ बनाएंगे
और आगे भी जाके बैठ सकते हैं, इतना कोई तेज़ नहीं है समुंदर। ये है जी पीछे पार्क का व्यू, आज सूरज बादलों के पीछे छुपा हुआ है, लेकिन ये है कि अपना काम अच्छा निकल गया, अदरवाइज़ कल जब आए थे तो गर्मी बहुत। अब इसके पैनोरामिक में फ़ोटोज़ बनाते हैं, उसके बाद चलते हैं मिनी वेनिस। सो मैं फ़ोटोज़ के बाद आपको मिलता हूँ। मिनी वेनिस की तलाश में मैं आ गया हूँ, और यहाँ पे इनके ये सिटी का व्यू देखें, और ये प्यारा सा एक फाउंटेन है। मैंने कहा वहाँ जाने से पहले आप लोगों को ये चेक कराता हूँ, कैसी मज़े की चीज़ है, बड़ी ही रिफ़्रेशिंग सी चीज़ है। और ये सिटी का व्यू देखें। सो दिस इज़ बाकू सिटी। बाकू सिटी की काफ़ी तारीफ़ें सुनी हैं, लेकिन यार अच्छा है, देख के अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। अभी आगे ये कारपेट म्यूज़ियम है इनका, और यहाँ पे ही कहीं मिनी वीनस है जिसकी मुझे तलाश है, वो नहीं मिल रहा मुझे, कारपेट म्यूज़ियम मिल गया। सो जी मिनी वीनस आ गए हैं हम लोग, और ये मुझे खबारी लग रही है क्योंकि लाइन बड़ी ही लंबी है। आई डोंट नो ये अब कितनी है, बोट्स एक है, दो है, तीन है, क्या आई डोंट नो, समझ नहीं आ रही। लेकिन अगर आप लोग लाइन देखेंगे तो काफ़ी लंबी है, और शाम थोड़ी है, मुझे शाम शाम में कुछ और चीज़ें भी कवर करनी थी, लेकिन अब देखते हैं हमें इस पे मिल सकता है कि नहीं, क्या सीन है इनका, आई डोंट नो, अब इसको एक्सपीरियंस करना चाहिए कि नहीं। मिनी वीनस मेरे ख्याल में तो नहीं जाना चाहिए, बाहर से बंदा देख ले तो अच्छा है। ये देखें आप मेरे पीछे लंबी लाइन है, देखते हैं अगर तो लाइन को बेयर कर सकते हैं तो करते हैं। टिकट पता करके आता हूँ, आई डोंट नो अब ये कितने लोगों के लिए, काफ़ी लोग खड़े हैं, नहीं तो हम लोग फ़ोटोज़ तो ले ही सकते हैं यहाँ पे। चलें फ़ोटोज़ लेने की कोशिश करते हैं, टिकट भी पूछते हैं इससे जाके। Five manat. How many people? Just one. Only you? Yes. Only you. Only private me. Boat. No another people. No, it's fine. I can't go with other people. Total 20 manat. One boat only you. One boat for people system. No for only you. Private boat. It's amazing. 20 manat. ये 5 मिनट की एक टिकट ले ली है, इसकी प्राइवेट वाली की तो नहीं ली, ग्रुप वाली की ले ली है। तो ग्रुप वाली के अंदर ये लाइन है, वेटिंग है, अब देखते हैं कितना वेट आता है। गाइस फाइनली 1 घंटा वेट करने के बाद, काफ़ी लंबी लाइन थी, उसके अंदर बैठ गए हैं गंडोला में। तो मैंने अपनी अकेली वाली नहीं ली, शेयरिंग में ली है। सो ये है जी मिनी वीनस का टूर, अभी यहाँ से स्टार्ट होगा, कोशिश करेंगे इसी के अंदर ही फ़ोटोज़ वगैरह भी बन जाएँ, और बाकी वीडियो में तो आप लोगों को दिखा ही रहा हूँ। सो ये मतलब बहुत बड़ा नहीं है, छोटी सी जगह, शाम हो गई है वेट करते करते। वैसे मैं जब आया था तो काफ़ी लाइट थी, लेकिन अभी कोशिश करते हैं कि आप लोगों को अच्छा व्यू दिखाया जाए, और आई होप सो कि ये अच्छा एक्सपीरियंस होगा। बाकी वज़न तो काफ़ी है उसके ऊपर, उसके साइज़ के लिहाज से, और वो हिल भी रही है, तो मुझे ज़्यादा बोट्स का शौक़ नहीं है इतना, क्योंकि मुझे डर लगता है, लेकिन होपफुली अच्छा रहेगा। तो ये मिनी वीनस का अब स्टार्ट हो गया, यहाँ पर बोट राइड, और बड़ा अच्छा मैं फील कर रहा हूँ यहाँ पर, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस। तो जी फोटोज़ तो काफ़ी अच्छी हैं, आप लोग ये चेक करें व्यू इधर का। और ये आ गया है जी अंडर द टनल, सॉरी अंडर द ब्रिज, और ये है जी मिनी वीनस। सो इसके लिए मैंने ऑलमोस्ट, ओह माय गॉड, इसके लिए मैंने 1 घंटा वेट किया। और ये ड्राइवर भाई जान अब हमारे साथ थोड़ी सी ड्रामेबाजी कर रहे हैं, तो उसको मना भी कर रहे हैं कि ना करो, लेकिन अब वो थोड़ा सा डराएगा तो सही है, इन लोगों की आदत होती है। खैर हम अब लोग डरने वालों में से तो नहीं हैं, वो बच गए, टाइम से पीछे कर लिया मैंने, नहीं तो दीवार बजनी थी अपने अंदर आके। सो ये अजी हमारा गंडोला, और बस एंजॉय कर रहे हैं वाइब को, ये रहा पीछे। सो जी हमारा ऑलमोस्ट वो एंड होने वाला है, और ये देखें जी ऊपर से चाटियां मार रहे हैं लोग। सो वो रहेगा जी फ्लेम टावर्स, अभी जाएंगे वहाँ पे भी, और अच्छा रहा एक्सपीरियंस, वर्थ इट था। 1 घंटा ऑलमोस्ट 45 मिनट्स मैंने वेट किया, तो अच्छा एक्सपीरियंस था। बाकी ये देखें इन्होंने अंदर ही एक होटल टाइप बनाया, सॉरी रेस्टोरेंट।
सो यहाँ पे भी आ सकते हैं अगर किसी का मन चाहे स्मॉल वेनिस के अंदर आके इसको एंजॉय करने का. बाकी अपने लिए तो ये बड़ा अच्छा व्यू है, ये देखें जी. ये आ गया हमारा फनीकुलर, इसके अंदर बैठेंगे और यहाँ बैठ के पहले बैठ तो ये हमें ऊपर लेके जाएगी फनीकुलर, और ये बिल्कुल ऐसे तिरछी ऊपर जाती है. तो ये इसका स्टेशन है, यहाँ से ऐसे बिल्कुल ऐसे तिरछी ऊपर जाएगी और हाईलैंड पार्क लेके जाएगी ऊपर जाके. तो गाइस ऊपर पहुंच गए हैं और बड़ी स्मूथ और बड़ी अच्छी राइड थी. आई डोंट नो अब इसका पैनोरामिक व्यू बाकू का किस तरफ से देखना. हाँ सो इधर से तो नहीं देखना, आई डोंट थिंक सो यहाँ से देखना, क्योंकि यहाँ पे तो सारे दरख्त ही दरख्त हैं. आई डोंट थिंक सो ऊपर जाना है. तो ये तो है जी इधर का व्यू, बट यहाँ से तो सारे आगे दरख्त हैं. मुझे मेन इनका ढूंढना है कि कहाँ से प्रॉपर सिटी का व्यू आता है, वो देख के फिर आप लोगों को दिखाता हूँ. अभी तो मुझे यही मिला है और काफ़ी शाम हो गया यहाँ पे आते आते. हाँ जी तो दोस्तों रात हो गई है और मैं गया था हाईलैंड पार्क में जो कि काफ़ी फेमस जगह, लेकिन वो रात के टाइम में अच्छा उसकी लुक आ नहीं थी रही. तो फिर मैं नीचे आ गया था और मैंने क्या किया, मैंने खाना खाया, एक कैफ़े में बैठ के थोड़ा सा रेस्ट की, फ़ोन को चार्ज किया. उसके बाद इस लोग के जो मतलब कि आज की जो लास्ट डेस्टिनेशन है उस पर आ गया हूँ. सो मेरे पास ही है यहाँ पर डेनिस मॉल. सो ये है जी बाहर से इसका व्यू, काफ़ी बड़ा ये है मॉल है. और सुबह से मैं ये देख रहा था कि ये इन लोगों ने काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है इसका. तो अभी मॉल के अंदर जाते हैं, आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं मॉल के अंदर कैसा है. वैसे है तो काफ़ी इतनी हिम्मत नहीं है घूमने की क्योंकि सुबह से घूम रहे हैं, लेकिन चलते हैं आप लोगों के लिए एक अच्छी सी वीडियो आपको मॉल की दिखा. हाँ जी मॉल के अंदर एंटर हो रहे हैं. वाओ दिस इज़ ह्यूज. सो गाइस हियर आई एम इन द मॉल और बहुत ही ह्यूज किस्म का मॉल है ये देखें आप लोग. गाड़ियों की कोई समझ नहीं आ रही कौन सी इनकी कोई अपनी होंगी. खैर बहुत बड़ा ह्यूज स्ट्रक्चर है और आप लोगों को पीछे से दिखाता हूँ. यहाँ से इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा, पीछे से आप लोगों को दिखाता हूँ मॉल. यहाँ से जहाँ से एंट्रेंस है ना यहाँ से देखें आप. ये देखें ह्यूज स्ट्रक्चर, अब बहुत बड़ा है यार. मॉल आके तो गेम हो गया हमारे साथ क्योंकि मॉल का टाइम है 10 बजे बंद होने का और मैं 10 बजे एंटर हुआ हूँ. तो 10 ही बजे ना, हाँ 10 बज गए हैं. तो वैसे चलते हैं ऊपर से चक्कर लगा के आते हैं, लेकिन शॉप्स वगैरह में मैं नहीं जा पाऊँगा क्योंकि उनका टाइम ख़त्म हो गया है. तो अभी मेरे पास एक दिन एक्स्ट्रा होगा जिसमें मैं मॉल आ सकता हूँ और वीडियो बना सकते हैं. तो हम लोग तब मॉल विज़िट कर लेंगे, अभी फ़िलहाल वैसे ही देखते हैं इसको. सो
सो गाइस जो इन्होंने मेन ये बनाया हुआ है ना, ये बड़े मज़े की चीज़ है ये, आप लुक एट दिस, मतलब ये कुछ पूल टाइप सा है, इसके अंदर पानी है और ये बहुत बड़ा बनाया हुआ है, मतलब पूरा आपका प्रॉपर ऊपर से ऐसे व्यू आता है इसका, बड़ा ही कमाल का माहौल है। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी नहीं है, हम लोग पहुँचे लेट हैं, तो अभी मैंने ये सोचा है कि इसकी वीडियो मैं आराम से सुकून से आपको बना के दिखाऊँगा, जल्दी जल्दी में हमें बिल्कुल नहीं है क्योंकि हमारे पास एक एक्स्ट्रा दिन है जिसमें कुछ सिटी के अट्रैक्शंस रह गई हैं जो कि मैं दोबारा से बनाऊंगा। तो अभी मैंने फिर यही फैसला किया है कि मैं इस वीडियो को एंड करता हूं, अभी मैं घर जाऊंगा, घर जा कर रेस्ट करूंगा क्योंकि कल भी मेरा एक टूर है और कल हम लोग जा रहे हैं माउंटेंस में, तो आप लोगों ने वो भी वीडियो मिस नहीं करनी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को मस्त लाइक और सब्सक्राइब कर दें और चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप लोग इन्जॉय कर सकें, और अपनी भरपूर सपोर्ट शो कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको बाकी की सीरीज़ कैसी लग रही हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। You don't want my heart, you don't want my love, you just want me cry.